हमारे पास टॉप चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके बाद हम फिर इन्वर्स करेंगे, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स छोटा सा चैप्टर है, इट विल टेक 3 क्लासेस, ईजी भी है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, और यू कैन से इन मैथमेटिक्स, इन 12th मैथमेटिक्स दिस इज वी कैन से मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। रिलेशन डाउट हुआ जी, बिल्कुल मैत्री, आप बाद में डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नाउ दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसका भी वेटेज 4 मार्क है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी 4 मार्क है। इनवर्स सिंपल है, ये थोड़ा सा टफ है, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज आस्क मी 2-3 टाइम्स, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, मैं इसीलिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शंस। सो रिलेशन एंड फंक्शंस आपने 11th में किया था, तो हम फिर एक बार बेसिक ही डिस्कस करते हैं। बिफोर रिलेशंस हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स था हमारे पास 11th में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है which is 1, 2, 3, and we have a set B which is suppose 4, 5, 6, 7. Okay, we have these two sets. Now Cartesian product is denoted by this sign. ठीक है, this is read as A cross B. ठीक है बच्चे, आज वीडियो ऑफ ही रखेंगे क्योंकि मैत्री के साइड थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो मेरी वॉइस ब्रेक हो गई है, नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियो ऑन करता हूँ। नाउ ए क्रॉस बी क्या होगा? वी विल सेलेक्ट अ एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड वी विल टेक अनदर एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड सेट। सो वी विल मेक अ ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, नेक्स्ट इज 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक। सबको क्लियर है? याद आ गया? लास्ट ईयर किया था ये कुछ मैत्री स्टैंड, याद आया लास्ट ईयर किया था ये? ओके, सो अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने ये कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, नाउ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस। अब सबसेट कैसे फॉर्म हो सकता है? अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये भी सबसेट है, सबसेट फॉर्म होगा बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अगर हम एक कंडीशन पुट कर देंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वी विल मेक अ सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कंडीशन पुट कर दी दैट बोथ द एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, बोथ द एलिमेंट्स शुड बी इवन, ठीक है, बोथ द एलिमेंट्स शुड बी इवन, ये हमारा रिलेशन है। सो रिलेशन को हम डिनोट करेंगे बाय आर। अब बोथ द एलिमेंट्स शुड बी इवन का मतलब एक ये हो जाएगा, दिस वन ओनली, दीज टू, सो दिस इज 2, 4 एंड 2, 6, ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट मेथी, सबसेट एक्सप्लेन करें दैट व्हाट इज अ सबसेट। ओके ओके, अब सबसेट यहां से हम चेक करते हैं। सपोज वी हैव दिस सेट ए, नाउ हमारे पास एक और सेट है सी which have the element 2. This is set A. This is another set C which have the element 2. Now इस set में जितने भी elements हैं, अगर वो set A में present है, then we will say that C is a subset of A. बिल्कुल ठीक है मैत्री, है ना? We will say that C is a subset of A matrix. ठीक? For example हमारे पास एक और set है D which have the element 3. Then 3 is present in this. So we will say D is a subset of A. Suppose we have another matrix which have the element 3 and 4. Now 4 is not
प्रेजेंट इन ए, तो ई आपका जो सेट होगा दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है? सो वी विल राइट ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. मेथड क्लियर हुआ इतना? ओके, सो वी हैव टू सेट्स, वी हैव मेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. नाउ रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका सबसेट होगा. वो सबसेट फॉर्म कैसे होगा? एक कंडीशन गिवन होगी. नाउ इन दिस केस कंडीशन क्या है? बोथ द एलिमेंट शुड बी इवन. तो हम इस कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, ठीक है? सो पहले एक डेफिनेशन करते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा. सो द डेफिनेशन इज रिलेशन के हम डेफिनेशन करते हैं रिलेशन लेट ए एंड बी be two sets, then our relation R from A to B is a subset of A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and second element of the ordered pairs. And A cross. Okay, so what is a relation? Let A and B be two sets, then a relation from A to B is a subset of A cross B. Subset is derived by describing a relationship between the first element and second element of the ordered pairs in A cross B. ठीक है, तो हमने जो यहाँ डिस्कस किया था सेम एग्जाम्पल, ठीक है? लेट ए इज इक्वल टू, वैल्यूज कम ले लेते हैं फिर हमें, वरना कंप्लीट नोट करना होगा, एंड 3, 4, ठीक है? सो ये सेट हो गया, ये ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास. ए क्रॉस बी क्या हो गया? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ओके, नाउ ये हो गया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट. सो रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है? बोथ द नंबर्स should be even. So we will get R is equal to 2, 4. Okay, Maitri and Kush, itna clear hai? Any doubt? Ye last year kiya tha, theek hai? Ye hum 11th ke hi kar rahe hain, abhi humne 12th ke topic start nahi kiya. But Kush and Maitri, any doubt in this? Okay, Kush. मैत्री क्लियर है? स्टैंजेंट क्लियर है? ये मैत्री क्लियर हुआ? ओके गुड, नोट कर लिया? कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? ओके ओके, ओके मैथ्री, कोई डाउट है देन प्लीज मुझे बताइएगा.
नेक्स्ट लास्ट ईयर एक टॉपिक आपने किया था डोमेन, किसी को याद है व्हाट इज डोमेन? बताइए प्लीज, ये एग्जांपल लेते हैं मित्री, सेम एग्जांपल। नाउ व्हाट इज द डोमेन इन दिस केस? डोमेन इज टू, नहीं कुछ नॉट करेक्ट मित्री। ए ओके, इसको हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ओके, फ्रॉम दिस टेल मी व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज व्हाट? In this case, what is the domain? नहीं क्वेश्चन, नॉट करेक्ट। ओके, सो डोमेन क्या होता है? इन दिस रिलेशन जो भी फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा, इन दिस रिलेशन फर्स्ट जो भी आपका एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन। सो इन दिस केस डोमेन इज टू, ओके, नॉट कंप्लीट वन। आपका जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, रिलेशन में जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज डोमेन। सो इन दिस केस अगर हम सॉरी डोमेन हम देखते हैं, सो डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज टू। ओके, मैथ्री का आंसर था टू एंड फोर। नहीं मैथ्री, नॉट करेक्ट। ठीक है, दिस टू। कुछ क्लियर हुआ दैट व्हाट इज डोमेन? फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन का हो गया दैट इज कॉल्ड द डोमेन। सो वी विल राइट द डेफिनेशन। लेट लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, देन then the set of all first component of the ordered pair belonging to R is called the domain of R. Okay, so what's the domain? Set of all the first component of the ordered pair. Ordered pair ke first component ka jo set hoga that is called the domain. Take example lete hain in previous case and previous relation. Domain is 2. Okay, so in this case domain is 2. Any doubt? Kush Mitri stands in. Domain clear hua? Mitri, hamare paas range hai, hamare paas phir codomain hai. Are you talking about the codomain? ओके, कोडोमेन इज कंप्लीट सेट बी, ठीक है? हम अभी करते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सो डोमेन आई गेस क्लियर हो गया, देन वी विल स्टार्ट रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या होता है? फर्स्ट जो भी आपके दिस वन फर्स्ट एलिमेंट हो गया डोमेन, सेकेंड एलिमेंट हो गया आपका रेंज, जो भी आपका रिलेशन फॉर्म हो रहे who have reflections, यह हम कह सकते हैं the elements जिनके reflections को हम range कहेंगे, ठीक है? so 2 का reflection अगर 4 है then these are the range, okay? so जो हमारा second element होगा, ठीक है? second element is called the range. so in this case range is
46। ठीक है मित्री, आप अगर रिफ्लेक्शन की बात करें देन वी कैन से द रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड द रेंज, है ना। टू का रिफ्लेक्शन 4 हो गया, अगेन 2 6, सो रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड द रेंज। सो दिस इज द रेंज 4 6। सो कुछ मेथ्री स्टैंड्स इन, एनी डाउट इन रेंज? ठीक है, सो व्हाट इज द रेंज? लेट आर बी अ रिफ्लेक्शन from a set A to a set B, then the set of second component, the set of second component of the ordered pair belonging to R is called the range of R, is called the range of R. Okay, so example, in previous case, in previous relation, range is equal to, ठीक है, range is 4. Please note down this. जब हो जाए then let me know. हम start करते हैं next. जब हो जाए बच्चे मुझे please बता दीजिएगा. ओके खुश हो गए, स्टार्ट कर, ओके ठीक है स्ट्रैंजन, अगर नहीं हुआ तो मुझे प्लीज बता दीजिए, ठीक है हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो रेंज इज सेकंड एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर कोडोमेन। लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then the set of second component of the ordered pairs belonging to R is called the range of R. So this, sorry, let R be a relation from set A to set B. Then the complete set B is called the codomain of the relation. ठीक है, let R be a relation from set A to set B, then the complete set P is called the codomain. So if we check the previous case, so range hamara kitna tha? Range was 4. Ab codomain hamara kya ho jayega in this case? Codomain. What is the codomain in this case? Maitri kuch stands in. What's the codomain?
कुश बिल्कुल ठीक है, मैत्री व्हाट इज अ को डोमेन, नहीं मैत्री को डोमेन इज कंप्लीट दिस, ठीक है कंप्लीट सेट बी जो होगा, अब ये हमें रिलेशन में नहीं लेना है, हमें कंप्लीट सेट बी चेक करना है। सो कंप्लीट सेट बी क्या था हमारे पास, 3 4, सो को डोमेन इज 3 4, ठीक है। डोमेन कहाँ से सिलेक्ट होगा, रिलेशन से, रेंज कहाँ से सिलेक्ट होगा, अगेन फ्रॉम द रिलेशन, को डोमेन कहाँ से सिलेक्ट होगा, को डोमेन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम कंप्लीट सेट बी। नाउ मैत्री इन दिस केस मुझे बताइए व्हाट इज अ को डोमेन, इन दिस केस व्हाट इज अ को डोमेन, 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है, 4 5 6 एंड 7, दिस इज अ को डोमेन, ठीक है। सो एग्जाम्पल इन प्रीवियस रिलेशन, रिलेशन को डोमेन इज इक्वल टू, को डोमेन इज वॉट, 3 4, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। और सबको क्लियर हो गया व्हाट इज अ डोमेन, व्हाट इज अ को डोमेन, व्हाट इज अ रेंज, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? मैत्री कुछ स्टैंड्स इन, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है? ओके मैत्री क्लियर हुआ, ओके गुड। सो नेक्स्ट स्टार्ट करें मैत्री, नोट के लिए आइए। ओके ओके नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। स्टैंजन आपके रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके सो द फर्स्ट टाइप इज वॉइड रिलेशन, ठीक है, वी हैव टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड द फर्स्ट वन इज वॉइड रिलेशन। सो राइट द डेफिनेशन, आर रिलेशन, आर रिलेशन are in a set A, in a set A is called, empty or void relation. If no element of set A is related to any element of set A, ठीक है। वर्ड रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी वर्ड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, that is R is equal to null set, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, वो कह रहे हैं ना कि हमने void, नाम ही यही है void relation, so R is a null set, और null set आपको पता है null set is a subset of every set, ये आपने 11th में क्या होगा, that null set is a subset of every set, so void relation क्या होता है, नल सेट। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस 1 2 3 4, ठीक है, रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन आर इज ए कॉमा बी, ओके एंड दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, वी हैव दिस सेट, रिलेशन क्या है, ए माइनस बी 12 होना चाहिए और ए बी किससे बिलोंग करेगा, ए से, डेफिनेशन क्या थी, रिलेशन इन अ सेट ए, ठीक, सेट ए में कोई रिलेशन है उसको हम कहते हैं एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट ए के एलिमेंट से रिलेट नहीं होता है। सो हमने ये एग्जाम्पल चेक किया, अब कोई भी टू वैल्यूज चूज कीजिए फ्रॉम सेट ए जिनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 12 आना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू है, कोई भी ऐसी वैल्यू है,
फ्रॉम सेट ए अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको 12 मिल जाए, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा नल सेट। क्लियर हुआ इतना? मैथ्री कुछ स्टैंड से ये क्लियर हुआ? एम्प्टी सेट और नल सेट टू टू। मित्री सबके सेम नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक। नाउ सो रिलेशन कब वॉइड या फिर एम्प्टी होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट सेट ए का उससे रिलेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा, ये कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो आर इज इक्वल टू नल सेट। क्लियर हुआ इतना? जी, दिस इज द सेम थिंग। ठीक, ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट करते हैं फिर, यूनिवर्सल। Next one is universal relation. Okay, void relation हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है universal relation और relation और relation R in a set A is called universal relation. Called universal relation if each element of A is related to every element of A. ठीक है, that is R is equal to complete Cartesian product. ठीक, universal relation क्या होता है? Relation को हम कहते हैं universal if each element of A is related to every element of A. So each element of A, A से ही कैसे relate होता है? जब वो universal relation होता है. For example, इन दिस केस, ठीक है, ये हमारा ए था, ये बी था, ये हमारा एक पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. या एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एंड ए बी बिलोंग्स टू ए. So for example, A हमारे पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, रिलेशन हमें फॉर्म करना है. तो रिलेशन क्या हो जाएगा? अगर हमने 1 चूज किया और नेक्स्ट 1 चूज किया, तो क्या वो इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं? मैत्री एंड कुश, इस कंडीशन को क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कंडीशन के सब्ट्रैक्शन शुड बी और सब्ट्रैक्शन का मॉड शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. सो हमने 1, 1 लिया, वी गेट अ जीरो. नेक्स्ट हमने 1, 2 लिया, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस. नेक्स्ट हमने लिया 1, 3, 1, 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस. नेक्स्ट हमने लिया 2, 1, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस. नेक्स्ट लिया 2, 2, इज दिस सेटिस्फाइंग? यस. नेक्स्ट इज 2, 3. नेक्स्ट इज 3, 1, 3, 2, 3, 3. ओके, सो अगर हमने ये चूज किया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, अगर हमने यहां पुट किया, देन वी विल गेट अ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक, सो यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया? जहाँ पे सेट ए के, अब आप देखिए सेट ए में 1, 2, 3 था, अब 1 जो है वो सारे एलिमेंट से
रिलेटेड है, टू भी सबसे रिलेटेड है, थ्री भी सबसे रिलेटेड है। अब क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी सारे नंबर्स आ गए आपके पास, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं देन यू विल गेट दिस, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल में क्या होता है, कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। डेफिनेशन क्या होती है, हर एलिमेंट सबसे रिलेट होना चाहिए, तो वो तो कार्टेशियन में होता ही था, सो दैट्स वाई हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैत्री एंड कुश क्लियर हो गया, वॉइड रिलेशन एंड दिस यूनिवर्सल रिलेशन। ओके स्टार्ट करें नेक्स्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आई गेस सबने नोट कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है, अगर नोट नहीं किया तो प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन और रिलेशन और रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी is said to be identity relation if each element of set A is related to itself only। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन अ सेट इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ओनली है यहाँ पे, प्लीज रिमेंबर दिस दैट इन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली था। सो आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट करते हैं बाय दिस, क्योंकि ये सेट ए पे तो आई ए से कर देंगे, सेट बी होगा आई बी कर देंगे। तो ये होता क्या है, दोनों एलिमेंट्स ए ही होने चाहिए और ए क्या होगा, सेट ए से ए सेट ए से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन आर, मुझे कोई बताएगा व्हाट इज आर, व्हाट इज आर देन, बिल्कुल ठीक है मैत्री, बिल्कुल ठीक है, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा एंड 3 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है कुश। ठीक है, सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, जहां एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेट होगा। सो हमारे पास 1 2 3 था, सो वी गेट 1 1 2 2 एंड 3 3, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ओके सो प्लीज नोट डाउन दिस। हो गया कुश एंड मैत्री। ओके ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप्स का रिलेशन कर लिया, फर्स्ट इज वॉइड यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है स्टैंजन, अगर कोई डाउट है इसमें तो मुझे प्लीज बताइए, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब मैं मुझे पहले टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी। सो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन, आर रिलेशन, आर रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव to be reflexive if every element of set A is related to itself। ठीक है, reflexive relation, what is a reflexive,
A relation on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. ठीक है, इसका मतलब A कॉमा A जो है वो belong करना चाहिए R से for all A belongs to A. ठीक है, example लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा clear होगा. Example, A is equal to 1, 2, 3. ठीक है, एंड वी हैव दिस रिलेशन आर, दिस इज 1, 1, दिस इज 2, 2, दिस इज 3, 3, एंड दिस इज 1, 3. ओके, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में वो क्या कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1, 1 से रिलेट होना चाहिए, 2, 2 से होना चाहिए, 3, 3 से होना चाहिए, उसके बाद कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं देन दैट डजेंट मैटर, ये तो होना ही चाहिए. ठीक है, अगर सपोज 2, 2 नहीं होता यहाँ, सपोज अगर ये नहीं है, ओके, नाउ अब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ठीक, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेट होंगे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव. नाउ टेल मी, क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ओके, गुड, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या था, दिस वर्ड ओनली, यहाँ सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए. 1, 3 इज ऑल्सो, जी बिल्कुल मैथ्री, ठीक है. ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में एक एक्स्ट्रा आ गया, सो ये आइडेंटिटी अब नहीं होगा. सो वी कैन राइट अ नोट, ठीक है, सो डिफरेंस वी कैन राइट अ नोट दैट आइडेंटिटी रिलेशन is always a reflexive relation, but the converse is not always true. ठीक है, आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ इतने ही आएंगे, बट क्या हमेशा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में चांसेस हैं कि एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, सो इसीलिए रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी होगा, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, नाउ ओके, टेल मी दिस स्टेटमेंट, ये फर्स्ट हो गया, this is second one, tell me this universal relation on a non void set is reflexive. यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट इज रिफ्लेक्सिव, यानी यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा. अब ये करेक्ट है या नहीं चेक करते हैं, है ना. अब होता क्या है यूनिवर्सल में सारे यूनिवर्सल की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सल दिस वन, तो यूनिवर्सल में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें जो बिलोंग खुद से करते हैं वो भी आते हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल जो होगा दैट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर हुआ इतना मैत्री एंड कुश, ये दोनों नोट क्लियर हो गए? ओके गुड, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, नेक्स्ट करते हैं फिर. ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस पर एक साथ कर लेंगे. अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, तो उसको हम एक साथ कर लेते हैं. स्टार्ट करें, नेक्स्ट इतना कर लिया. ओके, अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल, इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा, क्या सारे यूनिवर्सल सारे रिफ्लेक्सिव यूनिवर्सल आएंगे? कुछ बिल्कुल ठीक है मैत्री, इसका कन्वर्स क्या ठीक होगा, डज ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर यूनिवर्सल? नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है,
हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, बट वो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम यूनिवर्सल फाइंड करते हैं, तो यूनिवर्सल क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, है ना, 1 2 3 2 1 3 3 1 2 एंड 3, सो यूनिवर्सल ये हो जाएगा कंप्लीट ए क्रॉस ए। तो ये जो रिफ्लेक्सिव हमने फॉर्म किया है वो पूरा ए क्रॉस ए तो नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हमेशा यूनिवर्सल होगा ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो मैं? 3 रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल इस, ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, नेक्स्ट स्टार्ट करें, हो गया इतना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिमेट्रिक। अगर नोट नहीं हुआ है बच्चे मुझे प्लीज बता दीजिएगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन ऑन अ सेट A is said to be symmetric relation if AB belongs to R, BA belongs to R for all AB belongs to A. ठीक है, a relation on a set A is said to be symmetric relation if AB belongs to R, this will give BA belongs to R for all AB belongs to A. तो इसका मतलब क्या है, अगर AB है तो BA भी होना चाहिए, ठीक है। symmetric relation का मतलब ये है कि अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। For example, हमारे पास set A है which is 1 2 3, this is a set. एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन इज 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 एंड 3, 2। ठीक है, वी हैव दिस रिलेशन। अब देखिए 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। बट अगर सपोज हमारे पास ये नहीं होता तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता, अब सिमेट्रिक है ये क्वेश्चन में 3। नाउ इट इज इट सिमेट्रिक? ओके मित्री, ये सिमेट्रिक है या नहीं? गुड, है ना, ये है। उसका मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, दिस इज नॉट अ कंडीशन। बस कंडीशन ये कि अगर ए भी है तो बी ए होना चाहिए। अगर ऐसा है देन इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ऐसा नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट अ नोट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा? ओके कुछ आइडेंटिटी रिलेशन होगा, है ना, आइडेंटिटी होगा। क्यों होगा? अगर हम इसका आइडेंटिटी फाइंड करें तो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, ये ए बी है, इसका बी ए कर दीजिए, बी ए भी 1 1 ही होगा, सो दैट इज देयर इन द सेट। 2 2 का भी एक कन्वर्स फाइंड कीजिए, 2 2 ही आएगा, 3 का भी वही आएगा। सो आइडेंटिटी इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मैथ्री क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, यूनिवर्सल रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा? चेक करते हैं ना, एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं। कोई है हमारे पास एग्जाम्पल यूनिवर्सल का? ओके, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, तो हाईलाइट कर लेते हैं। ओके हाईलाइट करते हैं इसको। 1 4 है तो चेक कीजिए, 1 4 1 है यहाँ कहीं, ये हमने कुछ कम लिए हैं एलिमेंट्स, है ना, 1 4 1 5 1 6 7। ओके
एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां से हम चेक करेंगे। सपोज हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। नेक्स्ट भी हमारे पास यही है 1 2 3। इसका अगर हम फाइंड करें, वेल यूनिवर्सल रिलेशन में आपके सारे सेट्स आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो वो तो होने ही चाहिए। फाइंड करते हैं क्रॉस ए, सो दिस इज व्हाट 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ओके। सो 1 1 तो है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 2 तो है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 3 तो होता ही है। सो इसका मतलब ये भी हमारा, ये भी हमारा देन सिमेट्रिक है। सो वी विल राइट अ नोट, आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशंस। ओके, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मित्री एंड कुश? एनी डाउट यहाँ तक? एनी डाउट अप टू दिस डेफिनेशन? क्लियर है कुश? ओके, मित्री हो गया क्लियर? ओके गुड। आइडेंटिटी एक बार और बता दें। ओके देखिए बच्चे, आइडेंटिटी कैसे है सिमेट्रिक? ओके, सो हमने क्या कहा सिमेट्रिक में, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ओके मैत्री, सो इट्स मीन अगर 1 2 है तो इसको चेंज कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए, पोजीशन चेंज करनी है, ये यहाँ ये है। ओके नाउ अगर हमारे पास 1 है, 1 1, इसकी पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं देन वी विल अगेन गेट सेम। तो अगर 1 1 है, इसका आपसे सिमेट्रिक पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, 1 1 ही होगा। ठीक है मैत्री, तो हमें चेक करने की अगर, ठीक, तो 1 1 ही होगा। अब अगर हम यहाँ चेक करते हैं आइडेंटिटी को, तो आइडेंटिटी क्या होगा, 1 1, तो इसको अगर आप चेंज भी करेंगे यू विल अगेन गेट द सेम 1, तो वो तो है यहाँ पे। सिमिलरली 2 2 3 3, ठीक है, सो 2 2 को भी अगर चेंज करें तो सेम ही आना चाहिए, 3 3 को सेम ही आ रहा है और वो हमारे इस सेट में है। ठीक है मैत्री, ऐसे ही देखना है कि अगर हम इनकी पोजिशन को इंटरचेंज करते हैं। बट आइडेंटिटी में मेरी क्या 1 2 आएगा आइडेंटिटी? हाँ, ए क्रॉस, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी में क्या 1 2 आ सकता है आइडेंटिटी रिलेशन? आ ही नहीं सकता है ना, वरना वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ओके, यूनिवर्सल क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर 1 2 है तो यूनिवर्सल में तो सब कुछ आ जाता है। ठीक मैत्री, क्लियर हो गया तो? ओके ठीक है, फिर इसको नोट कीजिए बच्चे, लास्ट टॉपिक और करते हैं। हाँ नोट हो गया मैत्री, कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? ओके नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास पे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ A B belongs to R and B C belongs to R, A C belongs to R for all okay. So transitive means अगर A B belong कर रहे R से, BC also belongs to R, then AC should also belongs to R. So it means suppose we have a relation
in which we have this element 1, 2, we have another element 2, 3. Okay, if these two are same, then 1, 3 bhi aapke relation mein hona chahiye. Theek hai? If 1, 2 belongs to a relation, 2, 3 bhi hai, to agar ye dono same hai to 1, 3 bhi hona chahiye. Theek hai, iska example hum le sakte hain. 3 parallel lines. Just get 3 parallel lines. Okay, so suppose L1 hai hamare paas, L1 is parallel to L2. Suppose L2 hai hamare paas, L2 is parallel to L3. Ye dono same ho gaye to remaining L1 bhi L3 ke parallel hota hai. Hai na, ye bilkul theek hai. 2 lines parallel hain, ye bhi parallel hai, to iska matlab L1 aur L3 bhi parallel hoga. Clear hua question Maitri? Transitive clear hua? ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से, 2, 3 भी कर रहे हैं, तो ये पार्ट कॉमन आ गया ना, तो रिमेनिंग जो पार्ट है 3, 1 नहीं होगा, फर्स्ट वन 1, 3 जो होगा दैट शुड आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर. अगर ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए, तो ये फर्स्ट एलिमेंट अपनी प्लेस पर ही रहेगा, ये लास्ट एलिमेंट अपनी ही प्लेस पर रहेगा. 1, 3 आर में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then we will say that L1 will also be parallel to L3. Maitri, clear hua ye? Transitive mein bache clear hua? Okay, Maitri, good. Please note down this. मैत्री नोट हो गया, स्टार्ट करें नेक्स्ट. ओके गुड. ओके, अगर इसमें हम एक एग्जांपल और लें सिमेट्रिक में, एग्जांपल परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो क्या ये एग्जांपल ठीक है? If L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1. Clear हुआ इतना? है ना, symmetric क्या था? AB है तो BA भी होना चाहिए, तो इसका मतलब L1 L2 है. अगर L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1. Clear हो गया मैत्री, कुश, स्टेंसिन? ओके, ठीक है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर. ओके, सो एक डेफिनेशन और करते हैं, लास्ट डेफिनेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. A relation on set A is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. अगर ये तीनों होता है, देन वी विल से दैट दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, कुछ मैत्री, स्टैंजिन, क्लियर हुआ इक्विवेलेंस? अगर तीनों है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. एनी डाउट यहाँ तक?
मेथ्री स्टैंड्स इन एनी डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट है? पैरेलल लाइंस एग्जांपल आल्सो एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस, पैरेलल अगर टू लाइंस पैरेलल हैं रिफ्लेक्सिव होंगे वो, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, बिल्कुल सिमेट्रिक तो है ही, और ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक कुछ होगा वो भी, बिल्कुल ठीक है कुछ है, दिस एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थ्री रिलेशंस हैं, सेट ए पे डिफाइंड है, आर वन ये है आपका, ठीक है, आर टू है आपके पास, दिस ए बी, बी ए, ए सी, सी ए, थर्ड इज आर थ्री इज इक्वल टू ए बी, बी सी, सी। तो फर्स्ट चेक करना है कि फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव है, आर वन रिफ्लेक्सिव है, आर वन इज रिफ्लेक्सिव, मैत्री एंड कुश टाइम हो गया, जस्ट जल्दी से मुझे आर हो गया, मैत्री का आ गया, दिस इज इक्विवेलेंट, आर टू सिमेट्रिक है, बिल्कुल ठीक है, दिस सिमेट्रिक, एंड आर थ्री, आर थ्री रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, आर सी सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर थ्री ट्रांजिटिव नहीं है, है ना, ये दोनों सेम है ना, तो ए आना चाहिए था, ए नहीं है, सॉरी ये है ना, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, और वो भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके, सो आर थ्री में कुछ भी नहीं है जी, सी ए होना चाहिए था, और भी एलिमेंट्स होने चाहिए थे, है ना, सो फर्स्ट तो इक्विवेलेंस हो गया, सेकंड सिमेट्रिक हो गया, थर्ड कुछ भी नहीं है, कुछ क्लियर हुआ इतना, कुछ क्लियर हो गया क्वेश्चन मैथ्री, ओके, तो बच्चे होमवर्क कुछ भी नहीं है, जस्ट आज जो भी किया उसको प्लीज रिवाइज कीजिए, ठीक है, कल हम क्वेश्चंस करते हैं, और जो डिटर्मिनेंट्स में अगर आपका पार्ट रह गया एनसीईआरटी में, बच्चे एक एक क्वेश्चन करना है आपको, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो भी करने, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आ चुके हैं, ठीक है, सो होमवर्क आपका कुछ भी नहीं होगा आज, प्लीज कंप्लीट द डिटर्मिनेंट्स, प्लीज रिवाइज दिस थिंग, कल हम फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।